हेलो दोस्तों नमस्कार आज मैं फिर एक बहुत ही रोमांचकारी वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं जिसके बारे में आज हर जगह चर्चा है तो दोस्तों बिना देर किए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें आप लोग को अनेक जानकारियां मिलेंगी तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सी ए ए के बारे में आखिर आजकल आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में सी ए ए कानून लागू हो चुका है और इस संदर्भ में अनेक जानकारियां हम लोग को प्राप्त करने की उत्सुकता बढ़ी हुई है तो इसी कड़ी में आज हम लोग पूरे विस्तार के साथ जानेंगे कि सी कानून है क्या तो दोस्तों आज जो सबसे पहला प्रश्न हम लोग जानने वाले हैं वह पहले जानना यह जरूरी है कि सी का फुल फॉर्म क्या होता है यानी सी ए ए कहते किसको है तो दोस्तों सी ए ए जो है उसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम या सी ए ए का फुल फॉर्म है अब बात करते हैं कि आखिर यह कानून कैसे बना आखिर इस कानून का संशोधन किस कानून के द्वारा किया गया तो दोस्तों आप लोग को यह जानना होगा कि यह जो कानून है इस कानून को नागरिकता अधिनियम 1955, भारत सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 का जो कानून है उसी उसी कानून को संशोधित करके सी ए ए कानून अर्थात सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया है यह नागरिकता अधिनियम 1955 का संशोधित रूप है इस कानून के तहत यानी सी के तहत आखिर क्या होने वाला है तो इसके तहत 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक भारत आए जिनमें हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी एवं ईसाई इन समुदाय के लोग जो 31 दिसंबर जो 2014 अच्छा के पहले पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए हैं उन्हें इसके तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी उन्हें इसके लिए नागरिकता दी जाएगी इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए जो अधिकतम रहने की सीमा है वह पाँच वर्ष की गई है यानी जो व्यक्ति पाँच वर्ष तक भारत में रह चुका है और वह इन तीन देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आया हुआ है तो उन्हें जो है नागरिकता दी जाएगी अब बात करते हैं दोस्तों कि यह अधिनियम पारित कब किया गया तो यह अधिनियम 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को यह पारित किया गया इस अधिनियम पर हस्ताक्षर माननीय राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को किए तब जाके यह अधिनियम कानून का रूप ले लिया इस अधिनियम के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 से भारत के में जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा अब बात करते हैं कि यह जो सी का जो विचारधारा है यह कहाँ से है तो ऐसा माना जाता है कि यह विचारधारा महात्मा गांधी और अनेक महान नेताओं के विचारों से प्रेरित है क्योंकि पूर्व में अनेक जो हमारे देश के लीडर लोग थे उन लोगों का यह विचार था और यह मांग भी था कि विस्थापित तथा प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भी भारत में नौकरी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए तो इसलिए माना जाता है कि यह जो सी है, है यह पूर्व के विचारों से ही प्रेरित है तो दोस्तों ये सी कानून के तहत एक नागरिकता प्रदान की जाएगी उन लोगों को जो लोग पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से भारत आए हुए हैं तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को सी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और इससे आपको ढेर जानकारियाँ मिलेगी और आपके अंदर जो भी संदेह होगा आपके दिमाग में वो भी दूर हो जाएगा तो इसी तरह अनेक वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़िए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए विचारों के साथ तब तक के लिए नमस्कार